व्रत पे आधारित नहीं है, हमारा मुद्दा कोई ध्रुवीकरण पे आधारित नहीं है, हमारा मुद्दा हिंदू मुसलमान पे आधारित नहीं है, हमारा मुद्दा जात पात पे आधारित नहीं है, हमारा मुद्दा इस बात के लिए है कि सबको शिक्षा कैसे मिले, सबको काम कैसे मिले, मजदूर को मजदूरी कैसे मिले, किसानों को उनके फसल का दाम कैसे मिले, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबको बराबर का आत्मसम्मान कैसे मिले, ये हमारा मुद्दा है, हम इस पर संघर्ष करना चाहते हैं। इसीलिए जो सामने से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं उनको हमारे इन मुद्दों से डर लग रहा है और अजीब तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा गिरिराज जी ने कि हमारी लड़ाई विकृत मानसिकता से है। लड़ लीजिएगा, पहले ये तो बता दीजिए कि मंत्री रहते हुए आपकी कितनी योजना बेगूसराय में लागू हुई थी। एक बात आप सोच करके बताइए, टीचर जो है, टीचर 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, कोई भी नौकरी 60 साल में आपको सेवानिवृत्त कर देता है, लीडर का रिटायर होने का कोई उम्र नहीं होता है। गिरिराज जी का उम्र 68 वर्ष हो गया है, बुढ़ापा है, राम राम करें, चुनाव में मंदिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, चुनाव में मंदिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हिंदू धर्म के हिसाब से इस उम्र में उनको सन्यास धर्म अपना करके किसी मंदिर में हमेशा के लिए बैठ जाना चाहिए। अरे बुढ़वा पूजे छथिन हमारा की है, एगो साहब मंदिर मंदिर घूम रहा, दूसर साहब मस्जिद मस्जिद घूम रहा। मैं आपको कह देता हूँ, इस बात को आप समझ लीजिए कि आप नेता को मंदिर मंदिर या मस्जिद मस्जिद घूमने के लिए नहीं चुनते हैं। अरे नेता किसी एक समुदाय या एक जाति का नहीं होता है, नेता पूरे समाज का होता है। मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारा घर भी जाएंगे, गिरजा घर भी जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, अस्पताल भी जाएंगे, लेकिन वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। जनता जहां रहेगी जनता से मिलने जाएंगे, उसका दुख और तकलीफ जानने के लिए जाएंगे और उसके दुख तकलीफ से लड़ने के लिए जाएंगे, उसके तकलीफ को मिटाने के लिए जाएंगे। इस बात को समझिए और हमको पूरा भरोसा है कि बेगूसराय के लोगों को इतनी राजनीतिक समझ है। कुछ लोग जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि वोट बैठ जीते हैं, केना बैठ जीते हैं, जब एक मुस्त हो के एकजुट हो हमें वोट देव है तो वोट बैठ के ना जीते हैं, होशियारी सिखवे छो हमरा है। ई टोला माइक कहो कि ऊ टोला के लोग वोट नहीं दे रहा है, आ ऊ टोला में जाके कहो कि ई टोला के लोग वोट नहीं दे रहा है, तो भूल गए हो मोदी जी डिजिटल इंडिया। सबके पास मोबाइल छ, एक डेट में सबके पास मोबाइल, फोन क्या पूछ नहीं लेते है, आएंगे काकी केकरा, अबरी अपने बेटा का अपने गमन का। ये सब ना होशियारी करना है, बंद करो। अब बेगूसराय के मान सम्मान का रक्षा करे खातिर ल हमारा सब लोग एकजुट हो चाहिए, हो कि ना हो। बेगूसराय के लोग वादा करके मुकर नहीं चाहे, हाँ तोहर घर बेगूसराय छिको गुजरात में, मैं मुकरबो ठीक है। तो मैं आपसे ये नव आग्रह करने आया हूँ, आपको ये न्योता देने आया हूँ कि 9 तारीख को आपको अपना नामांकन करना है, इस देश को बचाने के लिए, इस देश में सही राजनीतिक मुद्दों को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए। आप 9 तारीख को इतनी संख्या में जुटकर बेगूसराय आइए कि पूरे देश और दुनिया की मीडिया को पता चल जाए कि 29 तारीख को बेगूसराय में क्या होने वाला है। यही निमंत्रण लेकर के आए हैं और हमको पूरा भरोसा है आपका साथ मिलेगा, आप अपने हाथ को मजबूत करेंगे और जब बेगूसराय का नाम गूंज रहा है तो बेगूसराय का नाम एक बार संसद में भी गूंजेगा। इसी आशा और अपील के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।